Hey guys, welcome to Shripit Education. आज हम Adopt Animate में देखेंगे अपने तीनों तरीके के ट्विन्स। इनसे पहले की वीडियोस में हमने कई जगह पे ट्विनिंग यूज़ की है, पर अभी तक हमने उनका डिफरेंस नहीं जाना था। आज हम उन तीनों तरीके के ट्विन्स का डिफरेंस भी देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो यूज करते हैं वो तीन तरीके के ट्विन्स होते हैं, मोशन ट्विन, फिर उसके बाद आता है क्लासिक ट्विन, और लास्ट में आता है हमारा शेप ट्विन। मोशन ट्विन और क्लासिक ट्विन लगभग दोनों सेम है, और शेप ट्विन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब हम यहाँ पे तीन फाइल्स क्रिएट कर लेंगे, जिनमें अलग अलग फाइल्स में हम अलग अलग ट्विनिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोशन ट्विन। मोशन ट्विन के लिए आप कोई भी शेप लीजिए, कैरेक्टर ले लीजिए, या फिर ब्रश टूल से कुछ भी बना लीजिए। मैंने यहाँ पे सिंपली एक सर्कल बना लिया, इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर मैंने कर दिया ये, ठीक है। अब मोशन ट्विन देने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है कि आपको अपने उस ऑब्जेक्ट को एक सिंबल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ये हमारा सिंबल आ गया। अब आप टाइमलाइन पे जाएंगे, और जिस फ्रेम तक आप मोशन ट्विन देना चाहते हैं वहाँ पे इंसर्ट फ्रेम करेंगे, की फ्रेम नहीं करेंगे, इंसर्ट फ्रेम करेंगे। हमें मोशन ट्विन देते वक्त की फ्रेम इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हो गया। अभी हमारा जो फ्रेम इंसर्ट किया है हमने, उस पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोशन ट्विन मेरा लिखा हुआ है वो भी इसी लेयर पे है, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो भी इसी लेयर पे है। तो एक नई लेयर बना लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट को उस लेयर पे ले चलते हैं। तो नई लेयर पे हमारी ऑब्जेक्ट आ गई है, हमने लाइब्रेरी में से जो मोशन नाम का ग्राफिक सिंबल कन्वर्ट किया था उधर पे हमने ले आए हैं। नई लेयर पे हमारा केवल यही सिंबल है। अगर आप ऐसा नहीं भी करते और केवल उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मोशन ट्विन दे देते तो अभी आपकी एक नई लेयर ऑटोमेटिकली बन जाती है। अब आपको क्या करना है कि आपको बस सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है और क्रिएट अ मोशन ट्विन कर देना है। तो ये अब आपका मोशन ट्विन बन गया है। अब आपको अपने जिस फ्रेम तक मोशन कराना है उस फ्रेम पे जाना है, सिंपली ऑब्जेक्ट को ड्रैग करना है, वहाँ रख देना है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मुझे एक लाइन दिखाई दे रही है, मैंने जिस पाथ में से मूव किया है, और अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो मुझे दिखता है कुछ ऐसा, ठीक है। अब इस लाइन का क्या यूज़ है? ये लाइन जो है ये बता रही है कि हमारी जो एनिमेटेड बॉल है ये इस पाथ से लेकर इस पाथ तक आ रही है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे लाइन को अगर कर्व कर दें, जैसे कि जब मैं लाइन के पास लेके आ रहा हूँ तो कर्सर के नीचे एक सर्कल टाइप का कुछ बन के आ रहा है, एक आर्क बन के आ रही है, तो उसे अगर मैं आगे कर दूँ तो क्या होता है, एक देख रहे होंगे यहाँ पे जो लाइन है वो सर्कल में बन गई है या आर्क की शेप में बन गई है। तो इसे देखें तो मोशन भी उसका वैसे ही हो रहा है जैसा मैंने उस लाइन को मूव किया है। ये मोशन ट्विन में ही होता है केवल ऑप्शन। ये ऑप्शन तीनों ट्विनिंग में से केवल ही केवल मोशन ट्विन में मिलेगा। ये लाइन का कॉन्सेप्ट जो है ये केवल मोशन ट्विन में है। ये बहुत अच्छा
ट्विनिंग के लिए एक टूल है जब आप किसी पाथ को ट्रेस करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट से। तो अब हम आ जाते हैं अपने ट्विनिंग के दूसरे टाइप पे जो कि है क्लासिक ट्विन। ये मोशन ट्विन से बस उसमें इतना ही डिफरेंस है कि मोशन ट्विन में हम पाथ को उस लाइन की वजह से ट्रेस कर सकते हैं। मतलब आप चाहें कि सर्कुलर पाथ में अगर बॉल मूव करे या सर्कुलर पाथ में उसका मोशन हो तो वैसे हम कर सकते हैं, पर क्लासिक ट्विन में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। क्लासिक ट्विन में ना आपको लाइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसमें कोई लाइन आपको दिखाई नहीं देगी, आप उसको उसका मोशन नहीं दिखाई देगा। तो क्लासिक ट्विन में ये तो हमारा ऊपर फर्स्ट लेयर पे जैसे उसमें किया था क्लासिक ट्विन लिखा हुआ है, सेकेंड लेयर हमने एक बना ली है तो इसमें हम अपना कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो मैंने सर्कल ले लिया, अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास सर्कल आ गया अपना। अब एक फ्रेम पे मैंने यहाँ पे कर दिया, पहले आपको इसे भी सिंबल में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। इस वाले को भी आपको सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसे सिंबल में पहले कन्वर्ट कर लें। इसमें मैंने डाल दिया क्लासिक, ओके कर दिया, ये आ गया। तो अभी हमने इससे पहले देखा था अपना मोशन ट्विन, उसमें भी हमने पहला स्टेप जो किया था सिंबल में कन्वर्ट करना, क्लासिक ट्विन में भी हमने सबसे पहले इसे सिंबल में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको किसी भी फ्रेम लेंथ पे जाके इंसर्ट की फ्रेम करना है। इस बार वह अब हमें जो क्लासिक ट्विन हम देते हैं वो की फ्रेम में ही देते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट की फ्रेम कर देते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले आपको जैसे कि मोशन ट्विन में हमने क्या किया था, मोशन ट्विन में हमने जो अपनी शेप थी उसको मोशन ट्विन पहले कर दिया था, फिर बाद में उसको हमने मूव किया था। यहाँ पे आपको पहले ही मूव करके अपने ऑब्जेक्ट को लेके आना होगा जहाँ तक आप लाना चाहते हैं। फिर इसके बाद आपको इसे ट्विन देना होगा। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ क्लासिक ट्विन, बस कर दीजिए। ये आपका क्लासिक ट्विन बन गया है। ये लाइन भी आपको पता चल रही है कि वो ऑब्जेक्ट इधर से इधर तक आ रहा है, ठीक है। अब क्लासिक ट्विन में यहाँ कोई लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको। अगर मैं इसे प्ले भी करता हूँ, मूवमेंट दोनों का सेम है, चाहे मोशन ट्विन में जो हमें रिजल्ट मिल रहा था वही सेम है क्लासिक ट्विन में मिल रहा है। मोशन ट्विन में हम इसके पाथ को चेंज कर सकते थे, पाथ को कर्व कर सकते थे, पाथ को और भी चेंज कर सकते थे, डायरेक्टली वहीं से चेंज कर सकते थे क्योंकि उसमें एक लाइन आती है जिसकी मदद से हम उसे चेंज कर सकते हैं। पर क्लासिक ट्विन में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लासिक ट्विन में अगर आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा एक और की फ्रेम। तो इंसर्ट की फ्रेम कर दीजिए और इसको जैसे कि मैंने यहाँ चेंज करके दूसरी जगह पे लगा दिया। अब जो यहाँ पे मोशन होगा वो देखिए, पहले ये फर्स्ट फ्रेम से सेकंड वाले फ्रेम पे जाएगा, सेकंड वाले फ्रेम से थर्ड वाले फ्रेम पे जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। हम देख लेते हैं इसका भी, तो इस तरीके से हम जो अपने ट्विनिंग की गए ऑब्जेक्ट को पाथ को चेंज कर सकते हैं क्लासिक ट्विन में। और अगर आप इसके बीच में भी डालना चाहें, इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूं मैं, तो ये इधर चला गया और इसके बीच में, तो पहले ये यहाँ जाएगा, फिर इसके बाद वहाँ जाएगा और फिर ये यहाँ आएगा। और अगर मैं इसके बीच में भी कोई फ्रेम इंसर्ट कर दूँ, इंसर्ट की फ्रेम, और इसे चेंज करके इधर रख दूँ, तो देखिए पहले यहाँ गया, यहाँ से इधर, इधर से इधर और फिर ये इधर गया। तो इस तरीके से आप अपने पूरे एनिमेशन में ब्रेक कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आगे आता है हमारे पास शेप ट्विन। मोशन ट्विन और क्लासिक ट्विन से काफ़ी हद तक अलग है शेप ट्विन। शेप ट्विन में आपको कई सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं जो क्लासिक ट्विन और मोशन ट्विन में नहीं मिलती। जब आप ट्विनिंग करेंगे
तब अगर आप किसी कलर को चेंज करेंगे तो वो कलर आपको फुल्ली चेंज होता हुआ दिखेगा। जो मान लीजिए कि ऑरेंज से रेड होते वक्त में जितने शेड्स होंगे वो भी आपको मोशन के वक्त दिखेगा, ठीक है। और आप शेप भी चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए पहले वो सर्कल था, सर्कल से वो एक स्क्वायर कैसे बना वो भी आपको इसमें दिख जाएगा। तो देखते हैं, शेप प्रिंट में एक और आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि इसमें आपको सिंबल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया, मैं इसे ले लेता हूँ ग्रीन सर्कल बनाया और एक मैंने इंटरवल ले लिया, इंसर्ट की फ्रेम करेंगे। जैसे हमने क्लासिक ट्रेन में की फ्रेम इंसर्ट किया था वैसे ही हम शेप ट्रेन में भी की फ्रेम ही इंसर्ट करेंगे। तो अब जैसे कि मुझे इसे चेंज करना है रेड कलर के एक स्क्वायर, तो रेड कलर का एक स्क्वायर बना देते हैं। ये सर्कल से स्क्वायर में चेंज होगा और तब हम इसे ट्रेन करेंगे। क्रिएट शेप ट्रेन करते हैं और इसे प्ले करते हैं। ये देखिए आपको कलर के अलग अलग शेड्स भी दिख रहे होंगे और लास्ट में हम देखिए लास्ट में वो स्क्वायर बन के वहाँ से गायब हो जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उस शेप को मूव नहीं किया है। तो चलिए वो भी ट्राई करके दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे दो अलग अलग शेप लिए हैं, पहले फ्रेम में मैंने एक सर्कल बनाया था और लास्ट वाले फ्रेम में मैंने एक स्क्वायर बनाया, तो वो सर्कल जाके स्क्वायर में चेंज हो रहा है पर स्क्वायर आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है और जबकि वो सर्कल वहीं का वहीं है, ठीक है। तो इसे एक और बना लेते हैं, हम उसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम ब्रश ले लेते हैं, ब्रश टूल से मैंने यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ 35 पे फ्रेम इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट की फ्रेम, क्योंकि मैं इसे शेप ट्विन देने वाला हूँ तो मुझे इसे सिंबल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या किया कि इसे उठा के इधर ले आया और इसमें कुछ ऐड भी कर दिया, जैसे कि मैं इसे पूरा स्क्वायर कर देता हूँ कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो अब मैं इसे शेप ट्रेन देना चाहता हूँ, पूरे को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट शेप ट्रेन। अब देखते हैं, ये अब आपको वहाँ पे हमारा वो वाला जो बच नहीं रहा है वहाँ पे वो वहीं पे स्टिल नहीं रह जा रहा है, तो इसलिए है क्योंकि वो शेप ही मैंने उठा के लास्ट तक मैं लेके आया हूँ और उसके बाद मैंने इसका शेप चेंज कर दिया है, उसके ऊपर मैंने दूसरा शेप लगा दिया है, तो इसलिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। उस वाले में क्या किया था हमने कि उस वाले में हमने जो सर्कल था वो हम उसे उठा के नहीं लाए थे, हमने एक नया शेप बना दिया था। तो ऐसा हम अपने पिछले वाले में भी कर सकते थे। तो लास्ट फ्रेम पे जाएंगे हम और लास्ट फ्रेम में इस वाली शेप को मूव करके चाहें तो इधर ले आइए, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए, और चाहें तो आप लास्ट में भी इसका कलर चेंज कर देंगे तो ये उसी कलर का हो जाएगा। देखिए कलर का शेड चेंज होता हुआ भी आपको दिख रहा होगा। तो आई होप आपको तीनों ट्विनिंग समझ में आ गए होंगी, मोशन ट्विन, क्लासिक ट्विन और शेप ट्विन, और तीनों में हमें क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं,
वो सब समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू और देखते रहिए श्रीपति एजुकेशंस।